तो हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग आज 8 से लेकर 10 तक ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले का वीडियो में अगला बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 8 हम लिखा गया फ्रॉम द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको आइडेंटिटी चुका है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है द पुटिंग ए इक्वल टू कितना है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ई टी सी, ठीक है। तो देखिए ए इक्वल टू इतना दिया है, आई टी सी लगा चुका है। ऐसा करने का मतलब है ए है, देखिए एंगल में कितना है? अल्फा है। अगर यहाँ पर एक जगह पर बी कर रहा था तो एंगल इसमें जो दिया है इसमें एंगल तो हमारा क्या होगा? बीटा होगा। और यहाँ पर सी होगा तो एंगल हमारा क्या होगा? गामा होगा। और अगर डी होता तो एंगल हमारा डेल्टा होता, ठीक है। इसलिए ई टी सी लिखा गया है, ठीक है। इन द आइडेंटिटी, इन द आइडेंटिटी मतलब इस आइडेंटिटी में डेट साइन इतना कितना, साइन एंगल में कितना है? अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन बीटा माइनस गामा इंटू साइन अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। प्लस साइन गामा माइनस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है इस आइडेंटिटी में, क्या पुट करके? ये पुट करके, ठीक है। तो सोल्यूशन वी हैव द आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी यहाँ पर दिया गया तो ये लिख लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको यह दे चुका है कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में क्या है? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको दे चुका है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। बी कितना है? कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। सी कितना है? कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। डी कितना है? कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। देखिए नाउ तो पहले हम क्या करेंगे, आपको देखिए इस आइडेंटिटी की मदद से ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल के आज दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए कितना है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो यहाँ देख सकते हैं ए पर स्क्वायर है तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। बीच में कितना है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी कितना है? कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। तो कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये 2 जो है कितना है? पावर में है, तो पावर को हम क्या करेंगे? एंगल में आकर मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। ये 2 है, आगे क्या होता है? एंगल में मल्टीप्लाई हो गया किससे? हमारा डी माइवर थ्योरम, ठीक है। डी माइवर थ्योरम क्या कहता है? जो हमारा क्या स्क्वायर होंगे वो आगे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, ये दोनों क्या है? रियल पार्ट्स है, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक जगह लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिखेंगे। तो कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा, देख सकते हैं ये होगा रियल पार्ट, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा, आयोटा कॉमन लेंगे तो बीच में कितना आएगा? साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, ये देख सकते हैं ये आएगा। तो वी नो डेट, आप ये जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। देख सकते हैं यहाँ पर सी प्लस डी है तो यहाँ पे कितना है? डी माइनस सी, ठीक है। और देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, देख सकते हैं ये फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूला है आपका, ठीक है। तो देखिए तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी कितना है इसमें? 2 अल्फा, और डी कितना है? 2 बीटा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 2 है तो 2 है, देख सकते हैं, और साइन ये साइन है तो साइन। अब देखिए सी प्लस डी, तो सी कितना है? 2 अल्फा, अभी डी कितना है? 2 बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे फार्मूला के हिसाब से, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2। अब 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए एम साइन, और फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए डी माइनस सी बाई 2 है, डी माइनस सी, तो डी कितना है? यहाँ पर 2 बीटा है, तो 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा कॉमन है तो आयोटा वैसे ही रहेगा। अब इसमें सी माइनस साइन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेंगे तो ये वाला यूज होगा, ठीक है, ये वाला इसमें यूज कर दिए, तो 2 कॉस सी प्लस डी, तो सी कितना है आपका? 2 अल्फा, और बीटा कितना है? कितना सी कितना है? 2 अल्फा, और डी कितना है? 2 बीटा, तो उसे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन, साइन कितना है? सी माइनस डी बाई 2, तो सी कितना है? 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, देख सकते हैं यह फॉर्मूला सबका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए
अब यहाँ से क्या डायरेक्ट हम सोचते हैं ये स्टेप न लिखा, डायरेक्ट ये लिख देते स्टेप्स में, ये वाला जो दिखा रहे हैं ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें टू अल्फा ऊपर है, टू बीटा ऊपर है, तो टू कॉमन लेंगे तो टू से क्या होगा कैंसिल, इसमें भी टू कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी इस वाला में भी टू, इसमें इस वाला में भी टू कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा टू साइन अल्फा प्लस बीटा सिर्फ बचेगा साइन, इन ये साइन होगा इनटू में, तो कितना बचेगा बीटा माइनस अल्फा प्लस, अब ये टू और आयोटा मल्टीप्लाई करा देंगे तो टू अल्फा टू आयोटा हो जाएगा। देखिए कॉस ये कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन, ये कितना होगा अल्फा माइनस बीटा होगा, ठीक है दो कट गया। अब देखिए एक का तो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ 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 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है साइन एंगल में कितना है अल्फा माइनस बीटा, एंगल में कितना है अल्फा माइनस बीटा है, तो हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर कितना है बीटा माइनस अल्फा, यानी उल्टा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ठीक है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है तो अल्फा माइनस बीटा करने के लिए क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन, और जो बीटा माइनस अल्फा है वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ये तो वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो, दो कॉमन। अब देखिए इसमें कितना साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो इस दो इसमें से क्या करेंगे टू कॉमन लेंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे, तो कितना होगा टू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कॉमन लिए तो कितना बचेगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन सॉरी आयोटा कॉस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। और आप यह भी ध्यान दे सकते हैं कि जो डिमाइवर थ्योरम होता है उसमें हमारा जो कॉस होता है वो हमारा रियल पार्ट्स होते हैं और जो साइंस होता है साइन होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है साइन जो है वो आपका क्या चीज़ है रियल पार्ट्स, इसमें क्या है कॉस इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको रियल बनाएंगे और इसको इमेजिनरी बनाएंगे, तो यहाँ पर जो माइनस वन दिया है तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, तो माइनस वन को हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है और साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, देख सकते हैं यहाँ कोस्ट में लिख चुके हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि आयोटा कॉमन लेंगे, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो ये वाला आयोटा बाहर चल जाएगा, तो सीधे कॉस अल्फा प्लस बीटा बचेगा, देखिए तो ये वाला आपका रियल पार्ट से बन गया, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं टू आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी टू टू आयोटा हम कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा कॉस हमारा रियल पार्ट हो गया और जो आयोटा है सॉरी साइन साइन क्या हो गया हमारा रियल पार्ट्स हो गया, ठीक है यही आपको बनाना था, ठीक है। तो आप क्या फाइंड कर चुके हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यहाँ से फाइंड करेंगे, तो सी कितना था आपका कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का होल स्क्वायर माइनस डी कितना है कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है चूँकि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी है स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ध्यान दे सकते हैं। अब डिमाइवर थ्योरम के यूज कर लेंगे इसमें तो टू क्या होगा एंगल में मल्टीप्लाई होगा, समझ गए यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है उसके बाद इसमें क्या करेंगे इस पार्ट में रियल को एक साथ और इमेजर को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अब बार बार हम लिखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज किए हैं, किस में इस वाला में इसमें कौन फार्मूला यूज होगा वाई कॉस सी माइनस कॉस डी और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है टू कॉस सॉरी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, ठीक है और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इसका होता है, ठीक है। चलिए अभी इसमें जो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे कितना आएगा टू आएगा और साइन सी प्लस डी बाई टू इसको दोनों को एड करके और दो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा तो इसमें से टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ अल्फा सॉरी गामा प्लस डेल्टा बचेगा, ठीक है और ध्यान दीजिएगा और कितना और डी माइनस सी था डी माइनस सी तो डेल्टा में से क्या होगा या गामा घटेगा उसको सब ट्रेड करेंगे तो डेल्टा में से गामा को घटा दिए, ठीक है प्लस आयोटा आयोटा कॉमन है तो आयोटा वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो ये आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू तो टू गामा और प्लस टू डेल्टा को एड कर कीजिएगा और नीचे कितना है टू से डिवाइड कीजिएगा तो टू कैंसिल होगा तो सीधे कितना आएगा गामा प्लस डेल्टा, उसी टाइप से साइन सी माइनस डी तो साइन तो टू गामा माइनस टू डेल्टा अपॉन टू तो टू टू कैंसिल तो कितना बचेगा गामा माइनस डेल्टा बचेगा, ये समझ गए ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे देखिए यहाँ पर गामा माइनस डेल्टा है तो आपको ये लाइन लाना है, देख सकते हैं इसमें कितना है गामा माइनस डेल्टा तो हमको चाहिए गामा माइनस डेल्टा, यहाँ पर कितना है गामा माइनस डेल्टा
इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कितना, गामा माइनस डेल्टा चाहिए। यहाँ पर कितना, डेल्टा माइनस गामा, तो इसमें से माइनस को मान लेंगे तो माइनस टू साइन गामा प्लस डेल्टा, ये जो इसमें था तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो डेल्टा माइनस गामा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, गामा माइनस डेल्टा हो जाएगा प्लस टू आई ओटा, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में टू है, ठीक है, और दोनों में क्या है, साइन गामा माइनस डेल्टा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, तो टू साइन गामा माइनस डेल्टा ये आएगा, ठीक है। और माइनस कितना जाएगा, माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा आयोटा कॉस गामा प्लस डेल्टा। आप ये भी जानते हैं कि इसमें क्या है, साइन जो है हमारा वो रियल पार्ट से और कॉस जो है वो हमारा ये वाला, ठीक है, तो कॉस क्या है हमारा इमेजनरी पार्ट्स और साइन क्या है रियल पार्ट से, तो डीएनए थ्योरम से कॉस हमारा रियल होना चाहिए और साइन हमारा इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस वन है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर आई माइनस माइनस की जगह पर क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, साइन गामा प्लस डेल्टा वैसे ही है, ठीक है, आयोटा कॉस गामा प्लस डेल्टा। अब इसमें से क्या करेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये कितना, कॉस हमारा रियल पार्ट्स और साइन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स, तो टू टू आयोटा, चूँकि इसमें से आई कॉमन लिया तो आयो बाहर आएगा, टू आयोटा साइन गामा माइनस डेल्टा इंटू क्या बचेगा, कॉस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, समझ गए आप। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप फाइंड कर चुके थे और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी आप फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर ए इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो मल्टीप्लाई ही किया है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना था इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना, इतना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टू आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर टू माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस रहेगा और दो इसमें है, दो इसमें देखिए कितना, दो दो चार माइनस फोर रहेगा, माइनस आयोटा चलता आया और टू के चलते कितना फोर आया। अब देखिए इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें कितना है साइन गामा माइनस डेल्टा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ठीक है, तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। कॉस्ट में चार बचेंगे, अब देखिए एक मिनट, इसका तो यूज कर चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई किए हैं इससे, ठीक है। अब इसको उठाकर पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया, समझ गए। अब यहाँ देखिए, अब इसको और इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे वी नो डेट आप जानते हैं कैसे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई इक्वल टू किसका होता है, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, आप किताब पढ़े होंगे तो आपको उसमें मिला होगा, ठीक है। कितना देखिए, तो एंगल में प्लस कर देते हैं, देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें कितना है, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई है, तो सीधा कॉस लिख के प्लस आयोटा साइन लिख के, ठीक है। और एंगल में क्या करेंगे, एंगल में जितना होगा, यहाँ पर थीटा है यहाँ पर फाई है, तो दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कितना, ओ हाँ ठीक है, इसमें कितना थीटा प्लस फाई कर देंगे, और यह थीटा प्लस फाई कर देंगे तो ये आएगा, ठीक है, समझिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसको उठाकर यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म से, ठीक है, तो क्या आएगा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आल्टा साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है, इसमें एंगल में कितना है गामा प्लस डेल्टा, इसमें कितना है गामा प्लस डेल्टा, तो सीधे लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इसमें का और इसमें का, देखिए इसमें थीटा था और इसमें फाई था, तो थीटा प्लस फाई को ऐड कर दिए, तो वैसे ही अल्फा प्लस बीटा को किससे ऐड करेंगे, गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, समझ गए, प्लस आयोटा असाइन में क्या है, इसमें देख सकते हैं थीटा प्लस फाई है ना, यानी इसको एंगल जोड़ा गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको उठाकर
इससे इसमें एंगल जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आउटर साइन ए भी कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये भी उतना ही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आया, इतना आपका आ गया। इसको इक्वेशन वन ले लिए, ठीक है। अब देखिए आपकी देखिए अब इसका आप ये तो आप फाइंड कर लिए कौन सा, ये इसका काम हो गया। अब ये वाला को फाइंड करेंगे, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वही सही आएगा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम फाइंड किए थे पहले, सेम प्रोसेस वही सही होगा, ठीक है। आप समझ गए, यही वही सही आएगा, यहाँ तक वैसे ही आएगा। उसी तरीका से आप ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो हम ये वाला किए थे, देखिए ये वाला किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड किए थे ना, ठीक है। और यहाँ पर आगे कितना किए थे, यहाँ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो फाइंड किए थे उसी तरीका से, ठीक है। उसी तरीका से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, उसी तरीका से, ठीक है। तो ये हो गया अगला पेज किधर गया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हाँ देखिए उसी टाइप से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फाइंड कीजिएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। उसी तरीका से क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऊपर कितना, ये ऊपर जो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कितना ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सेम तरीका से निकाल के अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, देखिए हमें लगता है ये वाला, देखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये वाला आएगा, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसलिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका ये आया था और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका ये आएगा, ठीक है। तो सेम जो हम मल्टीप्लाई किए थे पहले, इसको देखिए टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा इंटू टू आयोटा साइन अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है, यानी इसको लेके और इसको लेके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर साइन बीटा माइनस गामा इंटू साइन अल्फा माइनस डेल्टा आएगा, ठीक है। ये अब इसको, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, एक साथ लिख दिए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दिए। आप ये जानते हैं कॉस थीटा प्लस आउटर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस आउटर साइन कॉस फाइव प्लस आउटर साइन फाइव कितना होता है, कॉस थीटा प्लस फाइव इन प्लस साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम है तो यहाँ पर सेम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं थीटा प्लस फाइव है तो थीटा प्लस फाइव प्लस हो गया, तो वैसे ही यहाँ देख सकते हैं बीटा प्लस गामा है और यहाँ पर अल्फा प्लस डेल्टा है, इसमें से अल्फा लीजिए, इसमें से बीटा लीजिए, फिर ये गामा, तो फिर डेल्टा एड कर दिया तो ये आएगा। देख सकते हैं यहाँ जो एंगल आता है वह एंगल यहाँ पर भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा प्लस फाइव है तो यहाँ पर थीटा प्लस फाइव है, तो यहाँ पर जो लिखते हैं यहाँ पर चुपचाप वही लिख दीजिए सेम, ठीक है। देखिए अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन टू ले लिए, उसी टाइप से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फाइंड कीजिएगा, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। हम चाहते तो सिमिलरली भी लिख सकते थे, ठीक है, जैसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फाइंड कीजिएगा तो आपका ये आएगा, ठीक है, समझ गया ना। बस यहाँ देखिए यहाँ जो हम फार्मूला यूज किए हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का यूज किए हैं, ठीक है, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला ये आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला आपका ये आ गया। तो हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, देख सकते हैं ये रहा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कौन ये वाला आया। तो फिर उसको देखिए फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, और इसको और ये इसको पूरा को इसको इसको ठीक है ठीक है, यानी इसको 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 एक साथ है एक साथ है, थोड़ा स्लो स्लो काम कर रहा है फोन ठीक है, यानी इसको पूरा को ठीक है और इसको एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया, इस वालों को यहाँ पर लिख दिया गया, मल्टीप्लाई कराने का किसको इसको इस वालों को यहीं पर पुट कर दिया ठीक है। तो देखिए ये वाला आएगा, तो विन रेट आप जानते हैं कॉस थीटा प्लस आउटर साइन थीटा प्लस इंटू कॉस फाइव प्लस आउटर साइन फाइव कितना होता है, कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आउटर साइन थीटा प्लस फाइव ये वाला होता है ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन गामा में गामा माइनस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस डेल्टा ये वाला ठीक है। अब देखिए ये वाला आ गया, अब देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूज करके ये वाला के यूज करके इसमें यूज करेंगे ठीक है, इस वाला को इसमें यूज करेंगे इसमें ठीक है। तो अब कितना जाएगा देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये वाला, और यहाँ पर क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये वाला आएगा ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस फोर साइन गामा माइनस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस डेल्टा, और कितना आएगा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इन प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसको इक्वेशन तीन लेंगे ठीक है। और देखिए फ्रॉम द आइडेंटिटी, ये आपको आइडेंटिटी दे चुका है यहाँ पर लिख दिया है जो आइडेंटिटी आपको दिया गया था, अब यूजिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री इन द आइडेंटिटी ठीक है, इस इक्वेशन वन टू थ्री का यूज करके इस आइडेंटिटी में यूज करेंगे ठीक है। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर चुके थे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को फाइंड भी कर चुके थे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया था इस दोनों का मल्टीप्लाई वाला ये वाला रह गया ठीक है, ये वाला फिर प्लस है देख सकते हैं बीच में प्लस है ये वाला प्लस है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमारा कितना आया था इतना आया था ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कौन वाला है ये वाला है ठीक है, इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो है ठीक है देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस फोर सभी में देख सकते हैं तीनों में माइनस फोर कॉमन लेंगे ठीक है, माइनस फोर कॉमन लेंगे तो कितने का एक मिनट रुकिए रुकिए, तो माइनस फोर तीनों में देख सकते हैं यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, एक बात और आप देख सकते हैं तीनों में क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये दोनों है ये जो है वो तीनों में यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वालों को और ये माइनस चार को कॉमन लेंगे साथ में, तो माइनस ले लिए हैं माइनस कॉस कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये वाला कॉमन ले लिए हैं इतना, तो बच का क्या साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा सॉरी साइन बीटा माइनस गामा इंटू साइन अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा साइन बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो ये वाला बचेगा। तो अब देखिए अब हम डिवाइड करेंगे किससे, इसी से डिवाइड करेंगे दोनों साइड लिखें नाउ डिवाइडिंग बाई माइनस फोर कॉस एंगल इतना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऑन बोथ साइड वी गेट, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे पूरा में तो कितना आएगा, तो ये तो वाला कैंसिल हो जाएगा ये वाला कैंसिल, तो ये वाला बचेगा ये वाला आई इक्वल टू जीरो देख सकते हैं, तो ये वाला आपका बचेगा ये वाला ठीक है ये वाला बचेगा ठीक है समझ गया ना ये वाला बचेगा, यही आपको प्रूव करना था देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है फ्रॉम द आइडेंटिटी ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो प्रूव डेट सिग्मा कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब देखिए सिग्मा कहने का मतलब है यहाँ पर टू अल्फा है तो बीटा प्लस गामा है ठीक है, अब अल्फा जगह पर टू बीटा होगा टू बीटा प्लस, तो ये कितना करना होगा देखिए यहाँ एक मिनट
कितना है, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। सिग्मा किया, सिग्मा कहने का मतलब है यहाँ पर अल्फा है, अब कितना होगा टू बीटा, बीटा यूज कर चुके हैं, क्योंकि इधर कितना बचेगा अल्फा बचेगा और गामा बचेगा, ठीक है। और देखिए, और अल्फा की यूज कर दिए, बीटा का भी यूज कर चुके हैं, अब टू, अब गामा की यूज करेंगे, गामा यूज करेंगे तो कितना, गामा तो यूज कर चुके हैं, अब कितना अल्फा बचा और कितना बचा बीटा बचा, समझ गए ना, ये होता है सिग्मा, समझ गए। अब देखिए यहाँ बीटा प्लस गामा है, यहाँ कितना है बीटा माइनस गामा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू कितना कॉस टू अल्फा प्लस आउटर साइन टू अल्फा, बी कितना कॉस टू बीटा प्लस आउटर साइन टू बीटा, सी कितना कॉस टू गामा प्लस आउटर साइन टू गामा, देख सकते हैं ए बी सी यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए बी माइनस सी, तो बी माइनस सी सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड करेंगे, तो बी माइनस सी तो कॉस टू बीटा प्लस आउटर साइन टू बीटा माइनस माइनस है, तो माइनस सी कितना है कॉस टू गामा प्लस आउटर साइन टू गामा, ठीक है। अब देखिए रियल रियल को रियल एक साथ लिख लिए, आउटर्स और इमेजिनरी को एक साथ, तो ये रहा रियल पार्ट्स, ये रहा इमेजिनरी पार्ट्स, देख सकते हैं। और क्या करेंगे फिर, वी नो डैट, वी नो डैट कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला इतना होता है, साइन सी माइनस साइन ए का फॉर्मूला इतना होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वही, ठीक है। तो देखिए तो बी माइनस सी कितना होगा, बी माइनस सी, अब देखिए अब इसमें सी माइनस साइन साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना होगा टू साइन टू साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी एंगल को जोड़ के और टू से डिवाइड, तो टू बीटा प्लस टू गामा, और टू से डिवाइड कीजिए तो कितना बचेगा बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा बचेगा, ठीक है। और साइन साइन साइन, और कितना है डी माइनस सी, डी माइनस सी मतलब टू गामा माइनस टू बीटा, ठीक है, टू गामा माइनस टू बीटा और बाई टू, तो कितना होगा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस टू कॉस, सी प्लस डी बाई टू तो टू बीटा प्लस टू गामा बाई टू, तो कितना होगा टू बीटा प्लस गामा, आई इन टू साइन सी माइनस डी है तो टू बीटा माइनस टू गामा अपॉन टू, यानी टू से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बीटा माइनस गामा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ बीटा माइनस गामा है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, हमको चाहिए क्या बीटा माइनस गामा चाहिए, कितना है बीटा माइनस गामा, तो यहाँ पर एक बात और बीटा माइनस गामा चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना है बीटा माइनस गामा, साइन बीटा माइनस गामा है, इसमें कितना है ओ यहाँ 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 देखिए यहाँ है बीटा माइनस गामा और यहाँ कितना है गामा गामा माइनस बीटा, तो हमको चाहिए कितना है बीटा माइनस गामा चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू साइन बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा, सॉरी टू आयोटा कॉस बीटा प्लस गामा साइन बीटा माइनस गामा, देखते हैं इसमें कोई छाछा नहीं होगा, बस इसमें करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस गामा होगा, बीटा माइनस गामा हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए दोनों में टू है और दोनों में साइन बीटा माइनस गामा है, देख सकते हैं टू साइन बीटा माइनस गामा कॉमन लिया तो इतना बचेगा, ठीक है। और माइनस वन को हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब आयोटा इसमें से कॉमन लेंगे तो टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा हो गया। अब देखिए और कॉस जो है अब रियल पार्ट्स हो गया और जो साइन है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ए से मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है ए से मल्टीप्लाई कराना है, देख सकते हैं यहाँ पर ए इंटू बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यहाँ पर आप फाइंड कर चुके हैं, अब ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए ए कितना है कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा, अब बी माइनस सी कितना आया था इतना टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, देख सकते हैं ये रहा बी माइनस सी, वही ये रहा बी माइनस सी, ठीक है। और ये हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, ये जो है इसको अलग लिख लिए, अब इसको और इसको एक साथ लिख लिए, चूँकि सबको मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिए, ठीक है। और इसको इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू अल्फा प्लस आउटर साइन टू अल्फा, ये देख सकते हैं ये वाला है और इनटू में क्या है ये वाला है, ठीक है। अब टू आउटर साइन बीटा माइनस गामा वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए वी नो डैट हमेशा बता रहा हूँ कॉस थीटा प्लस आउटर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस आउटर साइन फाइव इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव, ये होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से ए इंटू बी माइनस सी कितना होगा टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, ये तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इतना कितना टू अल्फा, ये कितना है बीटा प्लस गामा है टू अल्फा, ये कितना इसमें कितना है बीटा प्लस गामा, तो
तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा प्लस फाइव यानी एंगल को जोड़ रहा है, एंगल को ऐड कर रहा है, तो उस टाइप से हम एंगल को ऐड कर देंगे। इसमें का टू अल्फा, इसमें का बीटा प्लस गामा, तो कितना होगा, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है, यहाँ जो होगा एंगल वही यहाँ होगा। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली लेके चलेंगे। ठीक है, ए इंटू बी माइनस ए जिस तरह से हम फाइंड किए हैं उसी टाइप से क्या होगा, बी इंटू सी माइनस ए फाइंड करेंगे, फिर उसी टाइप से सी इंटू ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, और फाइंड करके तीनों को जोड़ के और इक्वल टू जीरो करेंगे, तो आपका ये कुछ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए इंटू बी माइनस सी फाइंड कर चुके थे, अब क्या करेंगे, बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी माइनस ए फाइंड करेंगे, तो ये आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए, इसको इक्वेशन वन ले लिए थे और इसको इक्वेशन टू ले लिए थे, अगेन सिमिलरली क्या होगा, अब ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर ए माइनस बी में क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको इक्वेशन थ्री ले लिए। फ्रॉम द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या दिया है, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये दिया था। देखिए अब यूजिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री इन द आइडेंटिटी, ठीक है, इक्वेशन वन और टू और थ्री को यूज करके इक्वेशन किस में यूज करेंगे, आइस आइडेंटिटी में यूज करेंगे, इसीलिए लिखा गया इन द आइडेंटिटी वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा इंटू कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये रहा ए इंटू बी माइनस ए और ये रहा बी इंटू सी माइनस ए और अच्छा ओ ये देखिए ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ए इंटू बी माइनस सी है और यहाँ ये और ये कितना है बी माइनस सी यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए है और ये जो है सी इंटू ए माइनस बी हमारा ये वाला है, समझ गए। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए कितना टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो हमको चाहिए कितना बीटा माइनस गामा, ध्यान दीजिएगा चाहिए कितना बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तो बीटा माइनस गामा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, अब इसको लेके इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ। देखिए इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा है, इसको दोनों को एक साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला मिल गया, ये वाला मिल के और ये वाला मिल के रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रियल पार्ट, और ये वाला और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा तो रहेगा, तो आयोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या किए कि टू को टू आयोटा साइन अल्फा सॉरी टू आयोटा साइन बीटा माइनस गामा को मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना आएगा माइनस टू साइन साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला यहाँ पर और जो साइन बीटा माइनस गामा है तो बीटा माइनस गामा एक साथ। ठीक है, फिर देखिए रियल को एक साथ देखेंगे, अब इसका काम होगा इसमें का रियल पार्ट्स हो गया और इसमें का रियल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इसमें का इसमें और इसमें रियल पार्ट्स, इसमें कितना आयोटा है और इसमें कितना भी आयोटा है, तो इसको उठाकर इसको लेकर और इसको लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल पार्ट्स ये वाला आएगा। ठीक है, उसी टाइप से देखिए अब इसको लेके और इसको लेके यानी इसको और इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी क्या होगा, हमारे रियल पार्ट्स आएंगे, तो हम रियल पार्ट्स कौन सा आएगा ये वाला आएगा फिर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, हमारा इमेजिनरी पार्ट चलते हैं फिर, अब शुरू से देखिए, इसमें देखिए अब इसमें टू आयोटा है साइन बीटा माइनस गामा है और इसमें कितना है कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रियल पार्ट्स आएंगे, बस सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे, इसमें से टू आयोटा कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें भी टू आयोटा है, इसमें भी टू आयोटा है, इसमें भी टू आयोटा है, टू आयोटा हम कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए,
और टू अल्फा तो कॉमन लिए तो कितना बचेगा, कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस टू बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस टू गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी इसमें देखिए इसमें से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दो आएगा, एक रियल आएगा एक इमेजिनरी आएगा। सबसे पहले हम क्या कहें, इस पूरे में रियल पार्ट्स को पहले मल्टीप्लाई करके ये लिखें, ठीक है, ये आएगा। तब उसके बाद फिर पूरा इसमें से और इसमें से इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके करेंगे तब का ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल पार्ट को मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस टू, ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे माइनस टू कॉमन लेंगे, इसमें 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 क्या है माइनस टू है, तो माइनस टू का हम माइनस टू को कॉमन लेंगे तो ये वाला बचेगा। ठीक है, आप प्लस टू आई होता इतना वाला बचेगा। ठीक है, अब देखिए कितना है इक्वल टू जीरो है, अब जीरो को हम लिख सकते हैं क्या, जीरो प्लस आयोटा जीरो, जीरो प्लस आयोटा जीरो भी लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं टू इंटू जीरो प्लस टू आयोटा इंटू जीरो। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। तो नाउ इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड वी गेट, हमको क्या हमको किससे मतलब है, इमेजिनरी पार्ट्स से। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट्स कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट्स यही वाला होगा। ठीक है, तो टू आयोटा को टू आयोटा से मल्टी इक्वेट करेंगे तो कितना होगा, ये जीरो बचेगा और ये वाला बचेगा, देख सकते हैं ये वाला जीरो के इक्वल बचा। ठीक है, देखिए तो ये वाला बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तीनों को एक साथ मिला के सिग्मा लगा सकते हैं, सिग्मा लगाएंगे तो कितना बचेगा, कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू साइन बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो, आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, इस तीनों को एक साथ मतलब लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में, तो सिग्मा के फॉर्म में कितना लिखेंगे, एक देखिए एक इसमें से एक को लिख के सिग्मा लगा देंगे तो ये दोनों का भी मतलब इसमें आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये वाला प्रूफ हो गया नौ नंबर। अब दस नंबर चलते हैं, ठीक है, दस नंबर भी देखते हैं। फ्रॉम द नीटिंग एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये आपको आइडेंटिटी दिया गया है। आपको प्रूफ करना है क्या, पुटिंग करके एक्स जहाँ इसमें एक्स है उसको आप पुट करना है कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। ठीक है, और जो ए है और टू अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा ई टी सी का मतलब है, इसमें देखिए यहाँ किसमें ए है बी है सी है और यहाँ पर कितना है डी है, यानी ए बी सी डी चार गो है। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिख के कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा ई टी सी कर दिया, तो बी कितना होगा, जो सिर्फ अल्फा है वहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर सी रहेगा तो जो अल्फा है वहाँ पर गामा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी रहता है एक जगह पर, तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर क्या होगा डेल्टा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, साइन अल्फा माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस गामा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस गामा इंटू साइन टू इंटू में क्या है थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और सिग्मा लगा हुआ, और सिग्मा कहने का मतलब है कि यहाँ बीटा और यहाँ गामा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर अल्फा रहता तो यहाँ पर क्या आएगा बीटा, आगे देखिए आगे मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो देखिए एल एट एक्स इक्वल टू कितना होगा कॉस टू अल्फा प्लस आठ साइन टू अल्फा, ए जगह पर कॉस टू अल्फा प्लस आठ साइन टू अल्फा, बी की जगह पर कॉस टू बीटा प्लस आठ साइन टू बीटा, सी की जगह पर कॉस टू गामा प्लस आठ साइन टू गामा, और डी नहीं लिखे हैं आप, यहाँ पर डी लिख लीजिएगा, डी इक्वल टू कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा, आप लिख लीजिएगा डी की जगह पर। ठीक है, तो ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर एक्स माइनस सी फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस सी फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई किए थे उसमें क्या करेंगे इस वाले से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स माइनस बी को फाइंड किए हैं, तो एक्स माइनस बी कितना आएगा, एक्स कितना था कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, माइनस बी कितना होगा कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू बीटा रियल पार्ट्स होंगे और प्लस आयोटा, इसमें भी आयोटा है
इसमें भी आयोटा था, आयोटा आयोटा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो आयोटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, साइन टू थीटा माइनस साइन टू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, इस वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, साइन सी माइनस सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये जो लिखे हैं वही यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें कितना है, थीटा माइनस बीटा है, थीटा माइनस बीटा है, यहाँ यहाँ कितना है, बीटा माइनस थीटा। इसमें सब थीटा माइनस बीटा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, देख सकते हैं जो बीटा माइनस थीटा था यहाँ पे क्या हो गया, थीटा माइनस बीटा अपोजिट हो गया, माइनस कॉमन लिए तो माइनस टू साइन थीटा प्लस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा प्लस टू आयोटा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा माइनस बीटा, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और इसमें से क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस बीटा दोनों में और दो दोनों दोनों में तो टू साइन थीटा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस साइन थीटा प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए अब माइनस वन है तो माइनस वन लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर लिख दिए कॉस साइन थीटा प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये वाला आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे तो आयोटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, कॉस थीटा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए उस टाइप सिमिलरली क्या करेंगे, एक्स माइनस सी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, अब ध्यान दीजिए एक्स माइनस बी फाइंड किए हैं तो टू आयोटा साइन एक्स जहाँ है वहाँ पर थीटा होगा और यहाँ पर कितना है बी, बी है तो यहाँ पर बीटा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बता रहा है, ठीक है। एक बात और, यहाँ जो होगा थीटा माइनस बीटा जो आ रहा है उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी टाइप से सिमिलरली क्या करेंगे, एक्स माइनस सी लिखेंगे और यहाँ देखिए टू आयोटा साइन साइन। अब देखिए यहाँ थीटा माइनस बीटा है तो यहाँ क्यों एक्स हो वहाँ पर थीटा होगा, बी है तो माइनस बीटा होगा, उसी टाइप से टू आयोटा साइन यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर थीटा होगा और माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है सी है तो सी की जगह पर क्या होगा गामा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थीटा माइनस गामा है तो यहाँ पे कितना था, थीटा माइनस बीटा था तो थीटा प्लस बीटा हो गया, तो यहाँ पर थीटा माइनस गामा है तो यहाँ पर कितना होगा थीटा प्लस गामा प्लस थीटा प्लस गामा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो माइनस वाला यहाँ पर एंगल में क्या होगा प्लस करेंगे, ठीक है। अब एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। चूँकि देखिए ये जो इस वाला को और इस वाले को एक साथ मल्टीप्लाई किए हैं और इसको एक साथ लिख लिए हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो ये वाला आ गया, देख सकते हैं, ठीक है इसको और इसको एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए तो ये वाला आएगा और एक साथ कौन कौन लिख दिए ये वाला। अब ये वाला को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या विन रेट, आप जानते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ जो थीटा और यहाँ देखिए इसमें का इस कॉस का थीटा और इस कॉस का फाइव, ठीक है, एंगल कितना और एंगल एड हो जाते हैं आप प्लस आयोटा साइन इसका थीटा और इसका फाइव एड हो जाते हैं, उसी टाइप से देखिए यहाँ पर कितना इस पूरे को आप थीटा मानिए और इस पूरे को भी थीटा मानिए और इस पूरे को फाइव मानिए इसको भी फाइव मानिए, ठीक है। तो थीटा प्लस फाइव है तो इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, ये वाला तो सेम है, ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा थीटा प्लस फाइव यानी एंगल उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉस का तो कितना होगा, कॉस टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक्स माइनस सी सॉरी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब अगेन अब क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो सेम प्रोसेस है, एक्स माइनस बी फाइंड किया था उसी टाइप से एक्स ए माइनस बी भी करेंगे तो ए कितना था कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा माइनस कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा, ये वाला, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ देखेंगे तो रियल पार्ट एक साथ इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ठीक है। फिर इसमें से क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी और इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, देख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर टू साइन, हाँ यहाँ पे क्या मैंने क्या किया कि आयोटा का सीधा मल्टीप्लाई कर गए इसमें, ये तो सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर अब इसको एक कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट है कॉस्ट को हटा दी, सीधे आयोटा टू आयोटा लिख के, टू आयोटा लिख के ये वाला लिख दिया, देख सकते हैं सेम वाला वही है, टू आयोटा हो गया और कोई कॉस्ट हटा के लिख दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा माइनस बीटा, इसमें कितना है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा है ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस लेइए तो माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें कितना है बीटा माइनस अल्फा है तब कितना होगा, माइनस लिए हैं तो अल्फा माइनस बीटा होगा यानी इसका अपोजिट। अब प्लस टू आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें सब, इसमें भी दो है इसमें भी दो है, दो कॉमन ले लिया, इसमें दोनों में क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा का है, तो टू दोनों में तो टू निकाल लिए और साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों में तो साइन अल्फा माइनस बीटा भी कॉमन ले लिए, तो कितना बचा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं डिमाई थ्योरम से कि जो साइन होते हैं वो हमारे इमेजिनरी होते हैं और जो कॉस होते हैं वो रियल पार्ट होता है, जिसमें देख सकते हैं इसमें क्या है कॉस हमारा इमेजिनरी हो गया और साइन रियल हो गया, तो हम कॉस को रियल करेंगे और साइन को इमेजिनरी करेंगे तो जो माइनस माइनस है उसको आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का टू माइनस वन होता है, तो माइनस वन की जगह पर लिखेंगे माइनस सॉरी आयोटा स्क्वायर, माइनस वन की जगह माइनस वन को रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर से, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे तो कितना होगा टू आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इसमें से एक आयोटा कॉमन लिए तो एक बचेगा, तो कितना बचेगा आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कॉस रियल हो गए और साइन हमारा इमेजिनरी पार्ट्स हो गए ठीक है, सिमिलरली ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, पहले हम क्या फाइंड किए थे ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे ए माइनस बी ठीक है, ए माइनस बी था ये कितना अल्फा माइनस बीटा, यानी ए की जगह पर अल्फा था और बी की जगह पर बीटा था ठीक है। तो देख सकते हैं इस वाला में जो ए है वह एंगल कितना है अल्फा में, यहाँ पर जो बी है एंगल कितना है बीटा में, यहाँ पर सी है जो एंगल कितना है गामा में, और जो डी है वह एंगल किस में है डेल्टा में, अच्छा वो यहाँ पर जो है टू डेल्टा होगा ठीक है, यहाँ पर जो टू डेल्टा होगा यहाँ पर भी टू डेल्टा होगा ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर ए माइनस बी फाइंड किए हैं तो कितना है ए माइनस बी तो अल्फा माइनस बीटा है ठीक है, जो यहाँ पर जो माइनस में था यहाँ पर जो एंगल क्या होगा प्लस हो जाएंगे, तो उसी टाइप से सिमिलरली ए माइनस सी फाइंड करेंगे, सेम जिस तरह ए माइनस बी फाइंड किए हैं उसी टाइप से हम ए माइनस सी फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा ये वाला आएगा, देखिए टू आयोटा साइन इसमें अल्फा माइनस बीटा है तो ए माइनस बी था, इसमें से ए माइनस सी है तो ए माइनस सी है तो अल्फा हो जाएगा और सी की जगह पर क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, देख सकते हैं एंगल में यहाँ पर जो माइनस में वही हमारे यहाँ प्लस हो जाएंगे ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी उसी टाइप से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा जिस टाइप से हम एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सॉरी एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी फाइंड किए ना मल्टीप्लाई किए हैं, उसी टाइप से ए माइनस बी ए माइनस सी भी फाइंड होगा ठीक है, उसी टाइप से फाइंड करेंगे तो ये आएगा ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ठीक है, तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी ये वाला ऊपर लिख दिए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी वाला नीचे लिख दिए ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस फोर कैंसिल ठीक है, दोनों कैंसिल कर दीजिए कैंसिल अब कितना बचेगा ये साइन थीटा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस गामा, इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस गामा ठीक है, यहाँ पर लिख दिए सेम ये और उठाकर यहाँ पर पूरा। अब देखिए और इस वाला को उठाकर यहाँ, इस वाला को यहाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस वाला को यहाँ लिख दिए और इस वाला को यहाँ लिख दिए, और ये जो नीचे देख रहे हैं ये वाले नीचे इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ आ गया ना इन्वर्स कर दिए। अब देखिए ये जो इन्वर्स माइनस वन है
आप जो को इसको एंगल में मल्टीप्लाई कराएंगे एंगल में डी वाई बाय थ्योरम से, ठीक है। एक बात और यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर बाई डी वाई बाय थ्योरम, और फिर यहाँ जो लिखे हैं वही लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेगा डी वाई बाय थ्योरम, ठीक है, यहाँ डी वाई बाय थ्योरम लिखिएगा, और ये जो लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो इन्वर्स था पावर के फॉर्म में, तो डी वाई बाय थ्योरम से क्या करेंगे, एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस माइनस एंगल थीटा होता है क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और साइन को एंगल में माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी सेम है, बस यहाँ जो इन्वर्स था, कहाँ इन्वर्स था, इन्वर्स अच्छा यहाँ इन्वर्स है, इन्वर्स ये रहा इन्वर्स। अब इस इन्वर्स को लाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाएगा, और ये साइन जो एंगल आएगा माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। बाय डिवाइड बाय थ्योरम को यूज करके एंगल में माइनस वन से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। और देखिए एंगल से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस वन से, माइनस वन को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो होगा कॉस प्लस हो जाएगा और जो साइन होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वाला सेम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। इस देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए रियल रियल को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कॉस है, ये भी रियल पार्ट्स है, और ये भी कॉस क्या है, रियल पार्ट्स है, तो एक साथ मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। अब इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, और आयोटा आयोटा में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन होगा, और माइनस वन जो होगा वो हमारा रियल हो जाएगा, समझ रहे हैं, रियल हो जाएगा। देखिए आयोटा इसमें क्या आयोटा, इसमें क्या आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर टू माइनस वन, ध्यान रखिएगा माइनस वन, और इसमें प्लस क्या है, माइनस है, तो माइनस वन माइनस मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको और इसको यानी कि साइन टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए अब जो रियल पार्ट्स होंगे, अब इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे आयोटा कॉमा लेंगे, अब इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आयोटा होगा, ठीक है, और इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएगा हमारा क्या होगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं साइन टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा, ओ सॉरी देखिए ये वाला पहले लिखेंगे ये वाला, ठीक है, इस वाला से मल्टीप्लाई कराए हैं तो कितना आएगा, साइन टू टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ, ठीक है। और इसको उठा के किसे करेंगे, इसको उठा के इसे करेंगे, इससे करेंगे, तो देखिए इसमें जो कि इसमें कितना प्लस है, इसमें माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब कितना होगा, कॉस टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा साइन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और देखिए आप ये जानते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी सेम है, ठीक है, उसी के यूज किए हैं, यहाँ देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला के फार्मूला पे है, तो इसको हम पूरा को लिख देंगे, कितना कॉस ए माइनस बी, तो ए कितना है टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा, टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखिए ए और माइनस बी, तो माइनस बी कितना माइनस टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ जो काटे हैं वो बीटा और गामा, इसमें का प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बीटा प्लस माइनस गामा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हाँ प्लस आयोटा आयोटा, अब देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन बी, तो कितना होगा साइन ए माइनस बी, तो साइन होगा आयोटा, चूँकि आयोटा होगा, आयोटा क्या कॉमन लिए तो आयोटा होगा, और साइन
ए माइनस बी, तो ए कितना है टू थीटा प्लस बीटा माइनस सॉरी टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा, टू थीटा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी, बी कितना है टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो बी है पूरा वो क्या होगा माइनस होगा, देख सकते हैं माइनस टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो इसमें का प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू थीटा बचेगा टू अल्फा, टू थीटा टू टू कितना टू अल्फा, तो देख सकते हैं ये जो है वह सेम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब साइन इसमें से क्या बचेगा टू थीटा माइनस टू अल्फा, तो टू थीटा माइनस टू अल्फा प्लस आउट साइन टू थीटा माइनस टू अल्फा ये बचेगा, और इसमें से दो कॉमन लिए तो दो कॉमन देखते दो कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये बचेगा अब इक्वेशन वन मान इक्वेशन वन इसको इक्वेशन वन, ठीक है ये इक्वेशन वन। उसके बाद देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली एक्स माइनस सी एक्स इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी वैसे ही था, देखिए ध्यान दीजिएगा कितना है एक्स माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। सिमिलरली कहने का मतलब होता है कि जिस तरफ से पहला फाइंड किया ना उस टाइप से ये भी फाइंड होगा, ठीक है। ये फाइंड कीजिएगा एक्स माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस ए, ठीक है। तो उसको कितना लिखेगा साइन साइन थीटा माइनस गामा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा साइन इंटू अपॉन अपॉन होगा साइन बीटा माइनस गामा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ जो होगा देख सकते हैं ये जो देखिए टू होगा आई एंगल में क्या होगा इंटू में थीटा माइनस बीटा, इसमें कितना होगा प्लस आयोटा साइन टू होगा और एंगल में कितना होगा थीटा माइनस बीटा होगा, ठीक है थीटा माइनस बीटा होगा, क्योंकि बता रहा हूँ कैसे। देखिए बी माइनस सी था तो बी की जगह पर बीटा और सी की जगह पर गामा है, ठीक है। नीचे कितना था ए माइनस बी तो ए अल्फा बी बीटा ए माइनस बी और ए माइनस सी था तो ए अल्फा और सी कितना गामा, ठीक है। अब देखिए एक बात और इसमें कितना है इसमें बीटा है और इसमें गामा है, बीटा और गामा क्या बच गया अल्फा बच गया, तो बस अल्फा माइनस कर दें, ठीक है समझ रहे। वैसे ही सिमिलरली करते हैं जैसे इस देखिए इसमें से एक्स माइनस सी एक्स माइनस है तो सी जगह पर गामा देख सकते हैं माइनस गामा और ए कितना होगा अल्फा हो जाएगा अल्फा। यहाँ देखिए बी माइनस सी तो बी देखिए बी बी तो बीटा और बीटा देख सकते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस सी और माइनस है तो बी सी कितना माइनस गामा और ए कितना माइनस अल्फा, समझ गए। और देखिए और ऊपर क्या है इसमें से अल्फा और इसमें से गामा है तो इस पर क्या नहीं है बीटा नहीं है तो एंगल कितना घट जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा माइनस बीटा, समझ गए जाएगा। जिस तरफ से ये फाइंड का कला है जिस तरफ से ये फाइंड का कला है उसी तरफ से इसको भी फाइंड किया जाएगा ना तो ये आएगा आपका और जो एंगल होगा क्या होगा टू इंटू देखिए यहाँ पर जो गलत किए थे हम क्या कहते हैं यहाँ पर गामा लिख चुके थे क्या लिखा है गामा तो ये गामा ना होगा क्या होगा बीटा होगा, समझ गए बीटा होगा अल्फा माइनस बीटा टू इंटू अल्फा माइनस सॉरी टू इंटू थीटा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा माइनस बीटा होगा, ठीक है। ये होगा ठीक है। उसके बाद ये देखिए तो उसके बाद एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी कितना होगा, ठीक है साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा, क्योंकि देखिए ए है और बी है तो अल्फा माइनस बीटा, समझ गया। यहाँ देखिए इसमें सी माइनस ए सी माइनस बी सी कितना होगा गामा तो कितना है साइन गामा माइनस ए घटा तो अल्फा माइनस बी है तो माइनस बीटा, समझ गया। अब उसी टाइप से देखिए इसमें और इसको इक्वेशन कितना बोला था मानने के लिए इसको इक्वेशन दो इस पूरे को इक्वेशन दो लिया है यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन दो लिया है और इसको इसको इक्वेशन तीन ले लिया है देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे सिमिलरली डिफाइन करते हैं वैसे ही जिस तरह पहले पहले से हम जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उस तरीके से इसको भी बनाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको उसको उतना बनाने के चलते हम लोग क्या करते हैं सिमिलरली लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी फाइंड करेंगे देखिए
जो एक्स माइनस ए है तो एक्स एक्स का कितना टू थीटा फाइंड। देखें बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो एक्स है वहाँ क्या है थीटा है, थीटा क्या नहीं है थीटा है। जो ए है वहाँ पर अल्फा यूज कर रहा है, वो बी है वहाँ पर बीटा यूज कर रहा है, जो सी है वहाँ पर गामा यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पर माइनस ए है एक्स है वहाँ पर एक्स ज़्यादा है वहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर एक्स कितना है पहले थीटा है तो यहाँ पर थीटा है। एक जगह पर अल्फा यूज कर रहा है तो अल्फा है, बी है तो बीटा है, यहाँ देखिए सी है तो गामा है, माइनस ए है तो माइनस अल्फा है, सी है तो गामा है, बी है तो बीटा है, समझ गए। और ऊपर क्या नहीं है, यहाँ पर अल्फा है यहाँ बीटा है, तो ऊपर क्या नहीं है गामा नहीं है, तो ठीक एंगल में कितना होगा थीटा माइनस गामा, थीटा माइनस गामा, इसको इक्वेशन तीन ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी ये दिया गया था, इक्वेशन वन है, तो यूजिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री इन द गिवन आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में यूज करेंगे आपको क्या मिलेगा देखिए, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए एक्स माइनस बी, इस वालों को यहाँ लिखा गया है, इस वालों को यहाँ लिखा गया है, और इस वालों को यहाँ लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस और यहाँ पर भी एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू वन है तो इक्वल टू वन कर दिए, समझ गए। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि रियल और इमेजिनरी को एक साथ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो रियल आएगा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा रियल आएगा, देख सकते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो क्या आएगा रियल आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा रियल आएगा, फिर इसको लेके इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा रियल आएंगे, ठीक है। और इमेजिनरी कैसे आएगा, इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा हमारा इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए साइन थीटा माइनस बीटा प्लस थीटा माइनस गामा इंटू इंटू अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस गामा, ठीक है। इंटू देखिए पहले रियल को ये सब लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये आएगा, देख सकते हैं। और जिसमें जिसमें एवटा आ रहा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो इमेजिनरी पार्ट कब होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इमेजिनरी आएगा, तो एवटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो सब में रहेगा, ठीक है, सब में देखिए इस वाला में सब में रहेगा, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, ठीक है। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पर वन है तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आयोटा कॉमन लिया है ना, तो ये वाला पूरा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट्स, और ये वाला क्या हो गया रियल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स ऑन द बोर्ड साइड, ठीक है। तो हम इमेजिनरी पार्ट्स को जब करेंगे सॉल्व, यानी कि इक्वेटिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला पार्ट्स होगा, यानी इमेजिनरी आयोटा वाला होगा, ठीक है, आयोटा वाला, देख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स को हमको इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को, यहाँ पर आयोटा है, इसमें कितना है आयोटा साइन जीरो है, आयोटा साइन जीरो है, तो आयोटा का आयोटा छोड़ दीजिए, चूँकि आयोटा का इक्वेट कर रहे हैं, तो ये वाला प्लस ये वाला किसके इक्वल होगा, साइन जीरो के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा साइन जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोग साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको और इसको सेम लिख कर कोई दिक्कत नहीं, सेम लिख के सिर्फ क्या करें, साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर जीरो पुट कर दिए तो आपका सेम ही आ जाएगा, चूँकि साइन जीरो जीरो होता है, हैंस। अब देखिए ये क्या हुआ, एगो है वो कितना, एगो दो गो और तीन गो, इन तीनों को मिला क्या करेंगे हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा लिख के और एक ही इसमें उठा कर लिख देंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, ये प्रूव करना था, ये आ गया। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो जिस लाइन जिस स्टेप में, तो स्टेप जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए 7488 9 1
8843। ठीक है, आप बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है,